हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और मेकअप के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पैक का प्रे पेन प्राइम, और मैं इसे स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं ना ये माय ग्लैम का पॉप एक्सो कलेक्शन है, उसमें से ये जो लिप ग्लॉस है मैं इसे लगाना पसंद करती हूँ। जब भी मुझे नेचुरल काइंड ऑफ पिंकी लिप्स चाहिए, मुझे ये लगाना पसंद है, क्योंकि ये लास्ट में एक टिंट छोड़ देती है जो बहुत अमेजिंग है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की स्ट्रोब क्रीम, और मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। आपने ऑलरेडी टाइटल से पता कर लिया होगा कि ये एक नो फाउंडेशन मेकअप लुक है। सो या तो हम इसे अप्लाई कर देंगे अच्छे से। इससे एक नेचुरल ग्लो बहुत अच्छा दिखता है, फेस बहुत ग्लोई ग्लोई सा दिखता है। उसके बाद कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पास ये दो है, एक एले गर्ल का और एक इनसाइड का। तो मैं इनसाइड का यूज़ करूँगी, बिकॉज एले गर्ल मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ। ये इनसाइड का ऑलरेडी थिक है और ये रखे रखे और थिक हो रहा है। सो यस, मैं वो पसंद करूँगी अप्लाई करना। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसे डायरेक्ट वॉन्ड से अप्लाई नहीं करती, वरना ये पैची हो जाता है। तो मैं ब्लेंडर में लेके फिर अप्लाई करती हूँ। तो अब देखो कितना डिफरेंस आता है, यानी कलर करेक्शन करने के बाद ही बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद एक लिपस्टिक ले लूँगी, ये क्रीमी लिपस्टिक है कुछ मॉवी पिंक टोन में, और इसमें मैं थोड़ा सा वापस से स्ट्रोब क्रीम ऐड करूँगी, और मैं इसको बेयर फेस अप्लाई करूँगी विदाउट एनी बेस। और इसे मैं ब्लश के जैसे ही अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे ना आपको अगेन एक अगर आप न्यूली मैरिड है ना, तो आपको नहीं चाहिए कि आप फुल कवरेज चीज़ें यूज़ करो, बिकॉज आप मोस्टली उस फैमिली के साथ रहने वाले हो हमेशा के लिए, तो उनको आपके फेस के जो फ्लॉज है वो दिखेंगे। तो इट्स बेटर टू कीप इट शियर रादर देन फुल कवरेज। तो इसके लिए मैंने ये अप्लाई किया है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो। और ब्लेंडर की एज से मैं इसे एज अ आई शेडो भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक नॉर्मल पिंकिश टिंट मिल जाए हमारी आईज को, और हमें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े आई शेडो के लिए। आप चाहो तो आप इसको ना काफ़ी ज़्यादा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके, या अलग आई शेडो, शिमर, स्पार्कल, जो आप चाहो आप लगा सकते हो। बट दिस इज़ माई काइंड ऑफ न्यूली मैरिड ग्लैम, बिकॉज आई डोंट थिंक के मतलब मैं घर में फुल कवरेज बेस करके, या फिर इतना भी, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो इतना भी मेकअप नहीं करना पसंद करेंगे। तो या तो मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब कंसीलर ना इसलिए बिकॉज हम फाउंडेशन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कंसीलर चाहिए, क्योंकि थोड़ा हम लोगों ने जो कलर करेक्शन किया है, या फिर हमारे फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप दिखाने के लिए हमें ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल भी कंटूर नहीं करूँगी फेस को, इसलिए मैं कंसीलर जो है सिर्फ अपने हाइलाइटेड एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि कंटूर ये बाय मतलब नेचुरली कंटूर दिखे। सो या एंड हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फेस थोड़ा सा लाइट दिखे, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं ये रिमेल का स्टे मैट कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ये बहुत अमेजिंग है गाइज। मैं इसे, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, तो आपको पता होगा मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले भी बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, फिर बीच में थोड़ा डगमगा गई थी, और फिर वापस से मैंने अभी इसे रीपर्चेस किया है। सो या बहुत अमेजिंग वाला कॉम्पैक्ट है ये, तो यस। उसके बाद अगेन मैं ये पाउडर पफ का जो एज है ना, वो यूज़ करूँगी, और उससे मैं अपने आईज को भी सेट करूँगी, क्योंकि मेरे आईलिड्स जो है वो ऑयली है। अगर आपके आईलिड्स ऑयली नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो, बट अगर ऑयली है मेरी तरह तो फिर आप ज़रूर इसे कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल, और इसका ना मैंने एक सेपरेट रिव्यू ऑलरेडी दे दिया है। ये जस्ट 55 रुपीज़ की है, तो आप सोचो 55 रुपीज़ में आपको इतना अमेजिंग सा आईब्रो बन के मिल जाता है। एंड प्लीज़ इग्नोर द कंस्ट्रक्शन नॉइज गोइंग ऑन, बीच बीच में आती रहेगी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड मेरी आवाज़ भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है आज, सो या आई एम लिटिल बिट डाउन, तो यस प्लीज़ बेयर विद मी। तो
आप देख सकते हो कितने अमेजिंग आईब्रोज बन चुके हैं। उसके बाद मैं ये एल्फ का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे अप्लाई कर दूँगी। और हाइलाइटर आप ऐसे अप्लाई करो जो बहुत ज़्यादा चंकी नहीं हो। तो एल्फ का हाइलाइटर जो है, ये मूनलाइट पर्ल्स शेड है इसका, बहुत अमेजिंग शेड है और बहुत नेचुरल दिखता है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है। सो ये इसकी बेस्ट पार्ट है। तो अगर आप एक नेचुरल लुक के लिए जाना चाहते हो तो दिस इज़ इट। अच्छा, काजल पेंसिल, आई थिंक काजल एवरी गर्ल शुड हैव दैट काजल जो स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग हो और बहुत अच्छा पिगमेंटेड हो। बिकॉज न्यूली वेड के लिए, स्पेशली इंडिया में न्यूली वेड के लिए काजल बहुत अलग, यू नो, एक इमोशन है काजल न्यूली वेड लोगों के लिए। और काफ़ी लोग तो इसे ऑन अ डेली बेसिस लगाना पसंद करते हैं। मैंने तो छोड़ दिया था, बट जब से मैंने ये प्लम का काजल आया मेरे पास, ओ माय गॉड, फिर से प्यार हो गया काजल के साथ। ये इतना पिगमेंटेड है गाइज, और इतना लॉन्ग लास्टिंग है, पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग, स्पच प्रूफ, और ये वैसे इंटैक्ट रहता है ऑल टाइम। सो आई जस्ट लव टू अप्लाई काजल नाउ डेज अगेन, वो ब्लैक काजल जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। सो या उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप देखो मैंने जो यू नो जो ग्लॉस था वो रिमूव कर दिया, बट स्टिल उसकी पिगमेंट इतनी ज़्यादा रह गई। और ये ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है उसकी पिगमेंट, तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ। मैं तो डेली बेसिस पे भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक नेचुरल टिंट दे जाता है। उसके बाद मैंने इसमें माई ग्लैम की लिपस्टिक लगाई थी और टॉप किया मैंने लैप में एब्सोल्यूट लिक्विड मैट लिपस्टिक के साथ इन द शेड न्यू ट्विस्ट। एंड या दिस इज़ हाउ माई नेचुरल न्यूली वेड ग्लैम मेकअप लुक्स लाइक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और ये वैसे इंटैक्ट रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ऑल डे लॉन्ग रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट में मुझे बता देना आप कैसे लुक देखना चाहते हो, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू रिक्रिएट। बहुत जल्दी फेस्टिव लुक्स भी आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन जो है वो हिट कर दो। एंड या स्टे विथ मी ऑल टाइम। सो या आई होप आपको ये बहुत अच्छा और मज़े का लगा होगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।